दीवान सुबह की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ मिक्स फ्रूट चाट। ये घर पर बहुत आसानी से बनने वाला रेसिपी है। अगर आपके पास जितने भी फ्रूट है, आप अवेलेबल है आपके पास फ्रूट, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। पपीता हो, सेब हो, केला हो, नारंगी हो, अनानास हो, अंगूर हो, चीकू हो, आप हर तरह के फल इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है, चलिए देखते हैं। फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है केला, अंगूर, पपीता, अमरूद और संतरा। आप चाहे तो हर तरह का फ्रूट ले सकते हैं, आपको जो अवेलेबल हो। ये तो हो गया फ्रूट। और मसाले में मैंने लिया है ये अमचूर पाउडर, काला नमक, नींबू, इसको मैं रस निकालूंगी नींबू का, जीरा पाउडर और काली मिर्च। सबसे पहले एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे। आपके पास जो बर्तन है वो आप लीजिए और उसमें धीरे धीरे एक एक फल डाल देंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी डाल सकते हैं या कट करके डाल सकते हैं। इस तरह से बीच से कट कर सकते हैं इसको। पपीते को ले लेंगे, उसको भी छोटे छोटे पीस में काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने पपीते को काट लिया है। अब केले को ले लेंगे, इस तरह से छोटे छोटे पीस में केले को काट लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे केले को काट लिया है। इसी तरह से अमरूद को भी काट लेंगे। सारे अमरूद को भी काट लिया है। अब हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर लिया, आप चाहे तो चाट मसाला ले सकते हैं खट्टा के लिए। इस तरह से ऊपर में डालेंगे। जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, ब्लैक साल्ट, नींबू को कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं खट्टा मीठा के लिए। सारे नींबू को मैंने निचोड़ लिया है इसमें फ्रूट में। अब इस तरह से फ्रूट को अंदर से मिला लेंगे। फ्रूट चाट हमारा तैयार है सर्व करने के लिए। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये। तो गाइज, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रूट चाट का, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।